इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के, देखो हाथ जोड़ रखे हैं, हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहूंगा कि वीडियोस में थोड़ा सा डिले हो गया था, बट अब से प्रॉमिस है कि बिल्कुल ही रेगुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो सबसे पहले हम इकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। देखो इकोलॉजी क्या है, बेसिकली एक टाइप की पढ़ाई है ना। अब आप हंसने लग जाओ कि हाँ सीधी सी बात है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई होगी। हाँ, तो ये एक टाइप की पढ़ाई है। पढ़ाई कैसी है, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लो मैं कल जाऊं किसी जंगल में जाके रहने लग जाऊं, किसी फॉरेस्ट में जाके रहने लग जाऊं, तो वहां के जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, शेर है, तेंदुआ है, बिच्छू है, मकड़ी है, सांप है, तो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो मेरी इंटरेक्शन रहेगी वहां पर रहने के बाद, उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। अब नॉन लिविंग चीजों के साथ मेरी जो इंटरेक्शन रहेगी, जैसे कि वहां का एबायोटिक एनवायरनमेंट, ध्यान देना एबायोटिक मतलब जैसे कि टेंपरेचर है, वाटर है, ये सब नॉन लिविंग है। टेंपरेचर है, वाटर है, सोयल है, वहां की मिट्टी है, वहां लाइट कितनी आती है, तो ये सब चीजों की स्टडी कि वहां पे मेरे पे इनका क्या असर पड़ रहा है, वो सब अपना इकोलॉजी में आता है कि बायोटिक एंड एबायोटिक के साथ क्या पढ़ रहे हैं हम, इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, देखो नेक्स्ट ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये हर हाल में अपने को बिल्कुल ऐसे के ऐसे याद होना चाहिए ना। लेबलिंग वेबलिंग अपनी आ सकती है और इसको सिंपल सा याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखो ये अपना क्या है, टेम्परेचर है, ये अपना टेम्परेचर है, तो सबसे कम टेम्परेचर है ना माइनस, देखो माइनस में जहां है मतलब वहां पे बर्फ पाई जाएगी, तो हमें पता है कि बर्फ कहां पाई जाती है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टूना। आर्कटिक आ गया मतलब वहां बर्फ है, सिंपल है, ट्रिक है ना। और ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा, ज्यादा डेजर्ट में ना, रेगिस्तान में ज्यादा टेम्परेचर गर्मी होती है, तो ये अपना डेजर्ट हो गया, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखो यहां पर ट्रिक क्या बता दूं, टीटी ये साथ में याद रख लेना, टी और टी ये ट्रॉपिकल हो गया अपना, ये टेम्परेट हो गया, बचा क्या, कोनीफेरस बचा, तो सिंपल सी इसकी भी ट्रिक बताता हूं कोनीफेरस की। देखो कोनीफेरस जो ट्रीज होते हैं ना, पेड़ होते हैं अपने, वो कहां पाए जाते हैं, बेसिकली वो ज्यादातर पहाड़ों में पाए जाते हैं, तो पहाड़ों में देखो पहाड़ों में टेम्परेचर कम होगा ये तो पक्का है ना, बाकी नॉर्मल से टेम्परेचर कम होगा ये तो पक्का है, पर जहां पर बर्फीला इलाका है वहां से थोड़ा ज्यादा होगा ना। देखो 0 डिग्री 5 डिग्री, तो ये अपना कोनीफेरस हो गया पहाड़ों में, ये बर्फ है, ये पहाड़ है, ये टीटी हो गया, ये डेजर्ट हो गया, बचा क्या अपना ग्रासलैंड, हमने याद कर लिया, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं नीश। नीश क्या होता है बेसिकली, देखो ये तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, पर नीश है एक तरीके से कि किसी भी बंदे का, मान लो आप किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी में आपका रोल क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका फंक्शन क्या है ना, कि आपकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, वो अपना बेसिकली नीश होता है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस इकोसिस्टम में रोल क्या है, उसका काम क्या है, उसका प्लेस क्या है ना, एक तरीके से ओहदा है ना, हिंदी में बोले तो ओहदा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को आगे देखेंगे। मेजर एबायोटिक फैक्टर मैंने बोला था ना कि मैं अगर फॉरेस्ट में रहने लग जाऊं, तो एक तो मेरी इंटरेक्शन होगी वहां के जानवरों के साथ, शेर के साथ, बिल्ली के साथ, है ना, शेर के साथ मैं इंटरेक्शन बहुत तगड़ी करता हूं ना, लड़ाई होती है अपनी। ठीक है, और मैंने बात की थी कि एबायोटिक फैक्टर्स भी वहां होंगे, कि मैं जिस जंगल में रहने गया वहां का टेम्परेचर भी मेरे को इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मेरे अंदर जो एंजाइम्स है, मेरा मेटाबॉलिज्म है, वो एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो टेम्परेचर मेरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। पानी का असर होगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल सबको समझ आती है ना। लाइट का असर होगा, ये भी सबको समझ आता है। सोयल का असर होगा, ये भी सबको समझ आता है। मैं अपना तो एक एग्जाम्पल देता हूं, पर यहां पर हर किसी पर अप्लाई हो रही है चीज, हर किसी ऑर्गेनिज्म पर यह चीजें अप्लाई हो रही है, पर मैं अपना एग्जाम्पल देकर चल रहा हूं कि मैं जंगल पर गया तो क्या असर पड़ रहा है। ठीक, ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अपना पहला फैक्टर कौन सा है, देखो मेजर एबायोटिक फैक्टर में अपना पहला फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में एक सुपर हिट क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, सुपर हिट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है टेम्परेचर, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर, वॉटर, लाइट और सोयल, इनके कंपेरिजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर है, अपना एक सुपर हिट क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है यूरी थर्मल एंड स्टीनो थर्मल। देखो यूरी मतलब होता है वाइड, स्टीनो मतलब होता है नैरो, है ना, वाइड रेंज, नैरो रेंज, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो यूरी थर्मल मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरी मतलब वाइड रेंज, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर पाए, और ऐसे फ्यू ऑर्गेनिज्म होंगे ना। देखो सीधी सी बात है कि वाइड रेंज मतलब भाई इतने से इतना टेम्परेचर हो जाए, इनको कोई
कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज सी बात है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही सुपीरियर चीज है, इसलिए फ्यू बहुत कम ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाएगी। स्टीनोथर्मल की बात करें कि नैरो रेंज, फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 डिग्री पे ही जिंदा रहेगा, कि 10 डिग्री से ज्यादा हुआ तो भी वो मर जाएगा, 5 डिग्री से कम हुआ तो भी वो मर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं मेजोरिटी, ये कोई खास बात नहीं है कि जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही रेस्ट्रिक्ट रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये अपने को याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पोलर एरियाज में सब जीरो टेम्परेचर होता है। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, देखो पोलर एरिया मतलब जहां पे पूरा बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ में कैसा होगा, सब जीरो, जीरो से भी नीचे नेगेटिव में टेम्परेचर पाया जाएगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट है ना, डेजर्ट ही आ गया मतलब ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल एरिया का डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, पूरा गर्म है, रेत है पूरा, वहां पे 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है। इसमें भी कुछ याद करने जैसा नहीं था, कॉमन सेंस थी। ये थोड़ा याद रख लेना कि थर्मल स्प्रिंग्स जो होते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहां पे इतना ज्यादा, देखो नाम में ही आ रहा है थर्मल, और इधर भी थर्मल, तो याद रह जाएगा मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है, इतने ज्यादा गर्म है कि यहां का टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, तो ये अपना यहां पे क्या हुआ टेंपरेचर, ये अपना टेंपरेचर यहां खत्म है। अब हम बात करने वाले हैं किसके, वाटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में पहली लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया गया, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो बनना था वो मैंने बता दिया कि टेंपरेचर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये क्वेश्चन है अपना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अनदर वर्ड आ गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि पानी में जिंदगी शुरू हुई थी और जल ही जीवन है, कि पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल भी नहीं है। ये बातें 5वीं क्लास वाली है, सबको पता है ना, जो पानी वाले होते हैं ना, वो वाटर वर्क्स जो भी होता है वहां पे लिखा भी होता है जल ही जीवन है, और ये बात सबको पता भी है ना। अब क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी में वो बताया कैसे गया है कि मान लो एक मछली है, मान लो ये एक मछली है, ये एक फिश है, और ये समुंदर में रहती है, तो हम इसको देख के इजीली बता देंगे कि भाई समुंदर में रहती है तो इसको पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पानी की तो इसको कमी ही नहीं होगी, है ना, समुंदर में रहती है, पानी ही पानी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ वाटर भी क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। मान लो समुंदर का पानी बहुत ज्यादा नमकीन है, नमक ही नमक है, तो वो इस पानी को, ये है ना, वो इस पानी में दुखी हो जाएगी, उसको यूज नहीं कर सकती। तो यही बोलना चाहता है कि पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन भी मैटर करती है और उसकी पीएच भी मैटर करती है ना। मान लो हमारे पास पानी आए, पीने का पानी आए, और वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो, तो हम उसको पी नहीं पाएंगे, तो कहां का पानी हुआ, है ना। तो पानी का होना जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ वाटर का भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक बात की गई है, इसी क्वालिटी ऑफ वाटर में ही बोल लो आप इसको, सोल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि इनलैंड वाटर में सोल्ट की कंसंट्रेशन लेस देन 5 PPT, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000। सी में कितनी, समुद्र में कितनी, 30 से 35, 32-35 PPT, और हाइपर सलाइन लैगून्स में कितनी, मोर देन 100 PPT। नाम में आ रहा है हाइपर सलाइन, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, सलाइन मतलब सोल्ट है अपना, बहुत ज्यादा, जहां सोल्ट है ना इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना यूरी हलाइन और स्टीनो हलाइन। जैसे हमने थर्मल में किया था यूरी थर्मल स्टीनो थर्मल, यूरी मतलब वाइड रेंज, हलाइन मतलब सॉल्ट, स्टीनो मतलब नैरो रेंज, हलाइन मतलब सॉल्ट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरी मतलब वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को झेल सकते हैं, स्टीनो मतलब नैरो रेंज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेस्ट्रिक्ट रह जाते हैं एक नैरो रेंज की, भाई इस सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ही जिंदा रहेंगे, इससे ज्यादा हुई तो भी हम गए, इससे कम हुई तो भी हम गए, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इधर अपना वाटर भी खत्म होता है, और वाटर के बाद क्या आएगा अपना, लाइट। हम लाइट के बारे में बात करेंगे, हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट देखते हैं। ये सबको पता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि लाइट की हेल्प से जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ। और एक छोटी मोटी बात है, ये वैसे अपने वो हॉर्मोन वाला चैप्टर है वहां भी आ जाएगी कि फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, जैसे कि ना पौधों को जो फ्लावरिंग, जो फ्लावर आने हैं पेड़ पौधों पर, उनको एक
पर्टिकुलर अमाउंट में लाइट चाहिए कि भाई इतने हमें लाइट चाहिए, उनको लाइट नहीं मिली तो फ्लावर नहीं आएंगे, ज़्यादा मिल गई तो भी नहीं आएंगे, तो एक पर्टिकुलर उनका टाइम पीरियड होता है, वो हम उस वाले ऑक्सीजन वाले चैप्टर में ही देख लें। अब लास्ट अपना एबायोटिक फैक्टर है सॉयल। ठीक है, सॉयल मतलब सबको पता है क्या, मिट्टी। ठीक है, अब देखो बहुत टाइप की मिट्टी होती है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, तो सॉयल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन। अब अलग अलग टाइप की मिट्टी इन्हीं के बेस पे तो होती है कि कोई मिट्टी है मान लो ए, तो उसमें कॉम्पोजिशन अलग है, ग्रेन साइज अलग है, कोई मिट्टी है बी, उसमें ये चीजें अलग है। ठीक है, तो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या डिटरमाइन करेंगी, परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। ठीक है, ये क्या है बेसिकली मैं आपको समझाता हूं। देखो परकोलेशन क्या होती है कि जब हम किसी भी मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसमें देखो पार्टिकल होंगे, सोयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो उन पार्टिकल्स में से पानी मूव कैसे करता है, पानी की मूवमेंट, वो परकोलेशन बताई गई। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की सोयल मिट्टी जो है अपनी, वो कितना पानी को होल्ड कर सकती है ना। देखो बहुत ही बेकार मिट्टी है तो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, है ना, तो अपनी खेती बेकार हो जाएगी। बहुत अच्छी मिट्टी है वो पानी को होल्ड कर सकती है तो बहुत अच्छी खेती हो जाएगी, तो अच्छी सोयल होगी, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या लिखा गया है कि सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद पैरामीटर, अलोंग विद पैरामीटर, पैरामीटर कौन से जैसे कि पीएच कैसी है, कि एसिडिक सोयल है, बेसिक सोयल है, टोपोग्राफी, मिनरल, उसमें मिनरल कितने अच्छे अच्छे हैं, कैल्शियम कितना है, फॉस्फोरस कितना है, मैग्नीशियम कितना है ना, वो क्या डिसाइड करते हैं कि वेजिटेशन इन दैट एरिया। सिंपल सी बात है यार, जैसे मान लो सरसों है, तो सरसों जहां पे आप देखा थोड़ा वहां पे राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहां पे बहुत अच्छी जमीन नहीं है पानी के हिसाब से, तो वहां पे सरसों, बाजरा ये सब उगाते हैं ना, क्योंकि वही है ना पैरामीटर देख के कि वहां पे भाई जो चावल है, गेहूं है, उनकी अच्छी खेती नहीं हो सकती। और आप यहां पे आओगे हरियाणा में, पंजाब में, तो वहां पे बहुत अच्छी मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और ये सब भी अच्छा है, मिनरल कॉम्पोजिशन भी अच्छा है, तो वहां पर चावल की खेती भी है और इसकी गेहूं की खेती भी है, और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो यही चीजें यहां पे अब बताई गई है। ठीक है, और क्या है, यहां पे एक्वायटिक एनवायरनमेंट की बात की गई है कि सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स को वहां डिसाइड करते हैं। देखो ये यहां पे ना ये लाइन लिखी हुई है, इसको बिल्कुल समझ लिया करो एक बार में और खत्म किया करो, बार बार इनको रटने से कुछ नहीं होगा। एक्वायटिक एनवायरनमेंट मतलब पानी में मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल समुंदर की बात कर रहे हैं, तो समुंदर के जो बिल्कुल बेस है नीचे है, मान लो पोंड की बात कर लो, लेक की बात कर लो, तो उनका जो बेस है बिल्कुल नीचे, वहां भी तो होगा कुछ है, मिट्टी विट्टी कुछ तो होगा, तो वहां पे सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका साइज क्या है, नीचे जो पार्टिकल्स हैं, सोयल पार्टिकल्स हैं, उनका साइज क्या है, उसी से डिसाइड होता है वहां पे किस टाइप के बेंथिक एनिमल पाए जाएंगे। बेंथिक एनिमल क्या होता है, देखो बेंथिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो पानी की गहराई में बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, है ना, तो ये सिंपल सी बात यहां पे की गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स हमने देखे कौन से कौन से थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ठीक है, अब बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, देखो अगर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ऑप्टिमम है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बट अगर मान लो ठंड हो जाए दिसंबर जैसी तो क्या करेंगे, और गर्मी हो जाए मई जून जैसी तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं कि अगर हालात खराब हो जाए तो उनको रिस्पॉन्स भाई कैसे करना है, तो यहां पर चार चीजें हमें पढ़नी है, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन यानी जो खराब हालात हैं वो लोकलाइज्ड हैं या फिर कम टाइम के लिए हैं, तो ये दो अल्टरनेटिव अपनाए जाते हैं। ये तो अपना बेसिक है, बिल्कुल यूनिवर्सल चीज है ना, ये दो कब अपनाए जाएंगे, ये दो अल्टरनेटिव, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब खराब हालात लोकलाइज्ड हैं या फिर कम टाइम के लिए। ठीक है, अब हम बारी बारी से चारों देखते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेटर्स और कंफर्मर्स को क्या है कंपेयर करके ही सारा कर लेंगे। देखो रेगुलेटर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं, और कंफर्मर्स जो कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, देखो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो चाहे दिसंबर हो, चाहे वो मई जून हो, वो अपना क्या है कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ही अपना रहता है। तो हम क्या है रेगुलेटर्स हैं, हम ह्यूमंस क्या है रेगुलेटर्स है, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वो हमारी बॉडी कैसे भी मैनेज करे कर ही लेती है। कन्फर्मर्स है जिसमें कि 99% ऑफ एनिमल्स है ना, मैक्सिमम सारे एनिमल्स हैं और लगभग सारे के सारे प्लांट्स हैं,
वो कन्फर्म है कि भाई बाहर ठंड हुई तो अपनी बॉडी भी ठंडी पड़ने लगेगी, बाहर गर्मी हुई तो अपनी बॉडी भी गर्म पड़ने लगेगी। ये एक बेकार चीज़ है ना, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, बट सारे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है तो भारत इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो सबके घर में एसी नहीं लगा हुआ। जो अमीर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो एसी लगवा लेगा, पर गरीब लोग एसी नहीं लगवा सकते ना, उन्हें गर्मी में मरना पड़ता है। तो यही एग्जाम्पल है कि 99% ऑफ एनिमल्स जो हैं वो गरीब हैं, वो कन्फर्मर्स रह गए, और 1% जैसे कि बर्ड्स हो गए, सारे के मैमल्स हो गए, और कुछ कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स वो क्या है, थोड़े अमीर बन गए, उन्होंने एसी लगवा लिया, वो रेगुलेटर्स बन गए। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर, मैंने बोला था एनसीईआरटी में, फिर से ट्राइल रिपीट करूंगा, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन, खराब हालात लोकलाइज्ड हैं या फिर शॉर्ट टाइम के लिए हैं, तो ये दो अल्टरनेटिव अपना लिए जाते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है, मान लो मैं अभी दिल्ली में हूं, है ना, मान लो मैं हरियाणा में हूं, दिल्ली में हूं, अभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो मैं गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहता हूं, तो मैं माइग्रेट कर गया कि मैं भाई 3 महीने जो गर्मी के हैं मैं शिमला में रह के आऊंगा मस्त, है ना, तुम सब दिल्ली में, मैं जा रहा हूं शिमला। हाँ, तो यही एक एग्जांपल है माइग्रेशन का, बेसिकली ऐसे ही है कि मान लो जो साइबेरिया के हैं, साइबेरिया के बर्ड्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई, वो थोड़ा सा शांति पाने के लिए, थोड़ा सा सुकून पाने के लिए कहां जाते हैं, भरतपुर आ जाते हैं। भरतपुर में कहां, कियोलाडो नेशनल पार्क में वो माइग्रेट करके आ जाते हैं कि यार बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, थोड़े दिन यहां पे रहते हैं और फिर वापस वो चले जाते हैं, है ना, टेंपरेरीली वहां से मूव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन में अपने को एनसीईआरटी में देख लेना आप, 3 चीजें याद रखनी है। एक अपने को याद रखना है क्या, हाइबरनेशन। एक अपने को याद रखना है, इसके नीचे छुपा हुआ है, एक हाइबरनेशन, एक है एस्टिवेशन, और एक अपने को याद रखना है डाइपोजर। हाइबरनेशन बेसिकली क्या होता है, विंटर स्लीप, है ना, एग्जाम्पल याद रखना है बियर से। एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप, एग्जाम्पल है सम स्नेल्स एंड फिशेज, ठीक है। डायपोज क्या है, डायपोज भी एक तरीके से ऐसी ही कंडीशन है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, है ना। बेसिकली क्या है कि रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, कि अगर बाहर हम एनवायरनमेंट से लड़ाई नहीं कर सकते तो रजाई ओढ़ के भाई अपने घर में पड़े रहो, है ना। इसका एग्जांपल क्या याद रखना है, जू प्लांक्टन। हाइबरनेशन का एग्जांपल बियर्स याद रखना है, एस्टिवेशन का सम स्नेल्स एंड फिशेज, और डायपोज का एग्जांपल याद रखना है जू प्लांक्टन। इतनी सिंपल सी बातें थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अडेप्टेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो कितनी लंबी पर्चियां उठाने में मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अडेप्टेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट। देखो नाम से ही पता लग रहा है, डेजर्ट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में है, जो बहुत गर्मी सहन करते हैं। अब गर्मी सहन करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चीजें तो अपने अंदर अडेप्ट करनी ही पड़ेंगी उस गर्मी को झेलने के लिए, जैसे कि वो लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल बना लेते हैं, है ना। अब देखो पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल अगर थिक हो जाएगा तो पानी जो उड़ जाता है ना, किसके, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, थिक क्यूटिकल, है ना, क्यूटिकल थिक होगा तो पानी का उड़ना मुश्किल, तो पानी की एक तरीके से कंजर्वेशन इन्होंने कर ली। डीप स्टोमेटा, की स्टोमेटा बहुत डीप है, मतलब क्या है, पानी का, स्टोमेटा के थ्रू पानी का उड़ना इतना आसान नहीं है, वो डीप है। सिंपल सी बात है, पानी बचाने के लिए सारा काम हो रहा है। लीव्स जो है वो स्पाइन में, है ना, जो पत्तियां हैं वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, है ना। एक तरीके से ये भी अडेप्टेशन है कि भाई लीव्स में क्या होंगे, फिर स्टोमेटा होंगे, पानी से अपना फिर ट्रांसपीरेशन होगी, अपना पानी उड़ेगा, तो हम पत्तियों को ही बदल देते हैं, किससे, स्पाइन से, कांटों से ही बदल देते हैं, कि कांटे ही बन जाएंगे तो पानी कहां से उड़ेगा। तो ऐसे भी इन्होंने क्या कर लिया, पानी बचा लिया। तो सारी, है ना, अडेप्टेशन सारी किस तरीके से करते जा रहे हैं कि भाई अब पानी बचाना है ना। इधर एक्वाटिक सील की बात करें तो इसका टारगेट क्या है कि भाई जो मैं ठंडे पानी में रहती हूं तो मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो उस तरीके की ये अडेप्टेशन करती चली जाती है। जैसे इसने क्या किया, एक फैट की लेयर अपने अंदर बनानी है, जिसको ब्लबर बोलते हैं, कि थिक लेयर ऑफ फैट। अब ये फैट की लेयर क्या करेगी, ये हीट लॉस को बचाएगी, हीट लॉस को ये बचाएगी, और ये बेचारी थोड़ी गर्म रहेगी ठंडे पानी में, तो थोड़ी गर्म रहेगी, इसको थोड़ा मजा आ जाएगा।
ठीक है। और इधर बात करें कोल्डर क्लाइमेट्स के मैमल्स की, है ना, कोल्डर क्लाइमेट्स के मैमल्स की बात करें तो देखो होता क्या है बेसिकली, ये क्या है, इन्होंने जो कान है अपने लिम्स हैं इनके छोटे छोटे होते हैं, ये भी एक अडेप्टेशन है ना। अब देखो ईयर छोटे छोटे होंगे, लिम्स छोटे छोटे होंगे, तो क्या है वहां से हीट लॉस जो है वो कम होगा और ये बेचारे गरम गरम रहेंगे। और इसी रूल को क्या बोलते हैं, एलेंस रूल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलेंस रूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस की। ये क्या है, मान लो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है बहुत कमी पाई जाएगी, वहां में सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जाएगी, है ना। अब ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो बॉडी उसके खिलाफ कुछ रिएक्ट करेगी, है ना, तो बॉडी क्या अडेप्टेशन करेगी कि जो अपने अंदर है आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब आरबीसी की प्रोडक्शन किस लिए बढ़ी, क्योंकि देखो ऑक्सीजन किसके साथ करती है, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन कहां पे होगा, आरबीसी पे, तो जितना ज्यादा आरबीसी उतने ज्यादा हीमोग्लोबिन, उतना ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये अडेप्ट कर लिया जाता है। और इसका एक एग्जांपल आप देखो जो लद्दाख में और वहां के लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ऊपर पहाड़ों के लोग होते हैं, उनके जो गाल होते हैं ना वहां पे देखने को मिलेगा, रेड रेड से गाल होते हैं, क्योंकि क्यों ज्यादा आरबीसी है उनके अंदर, ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन है क्योंकि उनको ऑक्सीजन, वो एक तरीके की अडेप्टेशन ही हो गई है ना, उनके सेब जैसे गाल होते हैं, देखना आप जो लद्दाख के लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया ने ऐसी अडेप्टेशन कर ली कि वो हार्श हैबिटेट, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं, या और भी जो हार्श कंडीशन है, बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे लिजर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो लिजर्ड क्या करती है, बिहेवियरल मींस, मतलब क्या है, ये बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं ला रही है ना, इसमें एंजाइमेटिक चेंज नहीं है, इसने अपने हाथ पैरों को छोटा बड़ा नहीं किया है ना, इसने सिर्फ क्या किया है, बिहेवियर में चेंज लाया है कि जब धूप निकल रही है तो धूप सेकती रहती है ना, और क्या है अपने बॉडी को पूरा अंदर से गर्म करती रहती है ना, हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, अब ये पूरी गर्म हो गई है, और जब इसको गर्मी लगने लगती है कि अब भाई बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो ये क्या है छांव में आके अपना छांव में, है ना, अपना रेस्ट कर दिया आराम से, फिर सर्दी लगेगी, फिर टेम्परेचर चाहिए, फिर धूप में जाके धूप सेक लेगी। तो अब नेक्स्ट है, देखो ये कुछ डेफिनेशंस है जो हद से ज्यादा आसान है। ठीक है, देखो मान लो कोई टाइम पीरियड ले लेते हैं, मान लो एक साल का टाइम पीरियड हम ले लेते हैं और हम किसी कंट्री के लिए देख ले, मान लो इंडिया के लिए देख रहे हैं, तो इंडिया में एक साल में उस टाइम पीरियड में कितने पैदा हो गए, नए बच्चे पैदा हो गए, वो नेटेलिटी है। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब कितने चले गए, कितने टपक गए उस टाइम पीरियड में। इमिग्रेशन क्या है, उस टाइम पीरियड में बाहर से कितने लोग आए, मतलब भूटान से कितने आए, नेपाल से कितने आए, बांग्लादेश से कितने आए, वो इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब बाहर कितने चले गए, कनाडा कितने चले गए, ऑस्ट्रेलिया कितने चले गए, है ना, और वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली, ये है बेसिकली, है ना। तो इन सब का जोड़ तोड़ क्या बोलता है कि किसी भी, मान लो हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो कैपिटल एन से डिनोट होती है, कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे डिसाइड हो गई कि कितने पैदा हो गए, देखो पैदा हुए वो पॉपुलेशन में एड हो जाएंगे, मोर्टेलिटी मतलब जितने चल बसे वो पॉपुलेशन डेंसिटी से माइनस हो जाएंगे, है ना। इमिग्रेशन मतलब जो भूटान से आए, नेपाल से आए, बांग्लादेश से आए और यहाँ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, वो प्लस हो जाएंगे। माइनस मतलब जिन्होंने कनाडा का नागरिकता ले ली, अमेरिका की नागरिकता ले ली, वो अपने देश से माइनस हो जाएंगे। तो ये अपना जोड़ तोड़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए ना तो दो सेकंड में आपको याद आ जाएगा। ऐसी एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, बहुत आसान ट्रिक है। देखो एक्सपेंडिंग मतलब, देखो ये सबसे बड़ी जिसमें दिख रही है ना, ये लाइन सबसे बड़ी है, मतलब देखो ये एक्सपेंड, कितनी एक्सपेंडिंग सी लाइन है, ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, स्टेबल मतलब जहां पे मजबूती है, मजबूती कहां आएंगी, जहां पे दो लोग साथ में मिल जाएंगे, मतलब क्या है दो लाइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। आप किसी में भी देख लो, दो लाइन जो है सिमिलर कहीं भी नहीं है, सिर्फ स्टेबल में है, जहां दो लोग साथ में मिल गए, दो लाइन साथ में बिल्कुल सिमिलर है, वहां स्टेबिलिटी आ जाएगी। डेक्लाइनिंग मतलब क्या है, देखो बीच में तो ये सीख है, अच्छी खासी लाइन है, पर ऊपर भी डेक्लाइन कर रही है, नीचे भी डेक्लाइन कर रही है ना, ऊपर भी क्या है घट रही है, नीचे भी घट रही है, ये ट्रिक बताई। एक्सपेंडिंग की क्या, देखो नीचे से साफ दिख रहा है कितनी लंबी लाइन है, एक्सपेंड कर रही है। स्टेबल की जहां दो लोग साथ में मिल जाएंगे, दो लाइन बिल्कुल सेम है, वहां स्टेबिलिटी आ जाएगी। डेक्लाइन मतलब ऊपर भी डेक्लाइन, नीचे भी डेक्लाइन करे, ये इसकी ट्रिक देखिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। देखो इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब देखो ये है जो रेड वाली है अपनी, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि भाई खतरनाक तरीके से ग्रोथ करवाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, रिसोर्स अनलिमिटेड अज्यूम किए।
ठीक है। फिर क्या है, कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि रिसोर्स अनलिमिटेड है ना। अब देख लो, आप अपने देश की ही बात कर लो। अब मान लो पनीर है, पनीर सबके पास ऐसे थोड़ी है कि भाई रोज पनीर की सब्जी बनाओ या रोज किसी के घर में मिठाई बन रही है। नहीं, वो किसी स्पेशल ओकेजन पे ही बना सकते हैं। रोज पनीर बनाया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई लॉजिक वाली बात करो, लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक वाली बात करो। रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्स जब लिमिटेड होंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, ये लॉजिक वाली देखने को मिलेगी, लॉजिक वाली, ठीक है। इस तरीके से एक पोजीशन पे आके ये स्टेबल हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जहां से क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आप है ना इनको ना याद कर लेना, ये वाली चीजें है ना, जो कि एक तो इनकी ये है इक्वेशन है अपनी, देखो ये देखने से ही पता लग जाएगा कि एक्सपोनेंशियल लॉग वाली इक्वेशन है अपनी, ये अपनी कौन सी है लॉजिस्टिक ग्रोथ की क्या है इक्वेशन है ना, और ये इनके कि ये किसको डिनोट करें, ये वाली चीजें, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ठीक है। इसमें कौन से हमें पढ़ने हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली दिखाया हुआ है, म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीशी का फायदा होगा, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसलिज्म में एक का फायदा होगा और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एमेंसलिज्म में क्या है, एक का नुकसान होगा और दूसरे को कोई भी फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं क्या, प्रीडेशन पढ़ना चाहते हैं। प्रीडेशन मतलब क्या है, प्रीडेशन क्या है, मान लो हिरण भाग रहा है और शेर आया और शेर ने उस हिरण को खा लिया, तो इसका प्रीडेशन का पहला काम तो यही है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मान लो घास है, घास में जो एनर्जी है वो हिरण ने खाया तो हिरण में चली गई, हिरण को शेर ने खाया शेर में चली गई, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो तो इसका फंक्शन है ही, ठीक है। और क्या इसमें देखना है, इसमें कुछ एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं, वो अपने को याद रखनी पड़ेगी, जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस का एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, मतलब इतना ज्यादा फैल गया था कि वहां के लोगों को इसने तंग कर दिया था कि कैक्टस ही कैक्टस हो गया था हर जगह, ठीक है। तो प्रीडेशन का फायदा उठाया गया यहां पे ना, बहुत फायदा उठाया प्रीडेशन का, हां कि हम क्या है कैक्टस फीडिंग मोथ, मतलब ऐसा मोथ ले आए हम जो कैक्टस को खा जाए, और वहां पे उस एरिया में उस मोथ को छोड़ दिया गया। अब ये मोथ क्या था, प्रीडेटर था, किसके लिए, कैक्टस के लिए, तो कैक्टस का इसने शिकार कर दिया और कैक्टस को वहां से उड़ा दिया है ना, कैक्टस को यहां पे कंट्रोल में ला दिया गया। ये एक प्रीडेशन का एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये क्या दिया हुआ है, देखो हम जनरली क्या सोचते हैं, हम तो फिर भी थोड़ा सा हमने बायोलॉजी पढ़ी है, पर जनरली जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो क्या सोचते हैं कि हिरण का अगर शेर ने शिकार किया है तो शेर जो है अपना वो बेकार है और हिरण है अपना बेचारा, है ना। आप देखो कि डिस्कवरी देखते हैं ना, जैसे मेरे मम्मी भी बोलते हैं कि शेर हिरण तो बेचारा है, शेर बेकार है कि इसने हिरण को खा लिया, हिरण कितना मासूम है, तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। बट असल में जब हम पूरा साइंस में घुसते हैं तो शेर असल में हिरण के लिए जरूरी है, नहीं तो हिरण की स्पीशी भी खत्म हो सकती है, तो इस तरीके की चीजें अपने को देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसी ही चीजें यहां पर बताई गई है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो उनकी जो प्रे है, प्रे यानी जिनको खाया जा रहा है, प्रीडेटर मतलब जो उनको खा रहा है ना, तो उनकी स्पीशी मेंटेनेंस में भी वो हेल्प करते हैं, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है किसके थ्रू, एक स्टारफिश है जिसका नाम है पिजास्टर। बेसिकली बताया क्या गया है कि इस स्टारफिश को वहां से जब निकाला गया, कहां से, उस एरिया से जब निकाला गया, तो इसके साथ साथ ही इनवर्टिब्रेट्स की 10 और स्पीशी क्या है एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो पिजास्टर थी इसकी वजह से वहां पे 10 स्पीशी और जी रही थी, है ना, ये इसका प्रीडेटर का इफेक्ट था, है ना, देख लो वही है कि नुकसान हो गया उसको, तो इस तरीके की चीज है ना, क्योंकि वो प्रीडेटर के निकलते ही वहां पे कंपटीशन हुआ ना, उनके क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है वहां पे कंपटीशन होगा तो वहां पे खून खराब हो जाएगा, सब उड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, इफ प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लोइट्स प्रे माइट एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट प्रीडेटर्स आल्सो, इसमें बताया गया है, देखो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की, पर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, सिंपल सी बात ये बताई गई है कि जो शेर है वो भी समझदार होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका पेट भरा हुआ है फिर भी वो हिरण उसके सामने है उसको मार देगा, नहीं, उसका पेट भरा हुआ है तो उसके सामने भी हिरण आ जाए तो जनरली वो उसको नहीं मारता, क्योंकि उसमें भी समझ है, वो भी समझदार है कि अगर मैं ऐसे बिना बात पे शिकार करता जाऊंगा
तो हिरण भी तो है ना, हिरण जो है वो भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और हिरण अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो मैं खाऊंगा क्या, तो मैं भी एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली वो समझदार होते हैं, जब भूख लगती है जितनी भूख लगती है उतना ही शिकार करते हैं बिना बात। ऐसे नहीं है कि जैसे ह्यूमंस की तरह ना, ह्यूमन क्या कर रहे हैं कि जितना चाहिए उससे ज्यादा पेड़ काट दिए, फॉरेस्ट काट दिए, तो वो चीजें अल्टीमेटली नुकसान ही करती है। तो हमसे समझदार तो बेचारे जानवर होते हैं, हम क्या अपने घरों में भर भर के भर लो है ना, जरूरत से ज्यादा। तो ये चीजें गलत है, ठीक है। अब यहां पे डिफेंस की बात की गई है, हम पहले एनिमल्स के डिफेंस देखेंगे फिर प्लांट के देखेंगे। डिफेंस कैसे, कि अगर मान लो मैं कोई एनिमल हूं और मेरे को कोई मारने आ रहा है, तो मैं किस तरीके के अपने अंदर चेंजेस लाऊं कि जो मेरे को मारने आ रहा है, मेरे को खाने आ रहा है, वो मेरे को ना खा पाए। हाँ, तो इस तरीके से कैमोफ्लेज का एग्जांपल दिया हुआ है ना, देखो गिरगिट होता है जैसे, तो गिरगिट अपना है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है ना। मान लो मैं पूरे वाइट वाइट, यहां पे पूरा वाइट वाइट है ना, और मेरे को एक कोई टाइगर खाने आ रहा है, तो मैं खुद को वाइट पेंट कर लूं, पूरा व्हाइट पेंट करके इस पेज पे लेट जाऊं, तो टाइगर मेरे को देख ही नहीं पाएगा ना, वो बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। तो एक तरीके से कैमोफ्लेज भी बचने का वो है ना, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया हुआ है, डिस्टेस्टफुल। वो क्या है, बेसिकली अपने अंदर एक केमिकल एक्वायर कर लेती है कैटरपिलर स्टेज में। वो क्या है, एक अपने अंदर ऐसा केमिकल बना लेती है जो इतना गंदा टेस्ट करता है कि जो उसका प्रीडेटर है वो भी सोचता है कि छोड़ यार, इतने गंदे टेस्ट वाली बटरफ्लाई को मैं नहीं खाता, तो उसको वो छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरीके से ना, उसने टाइम के साथ अपने अंदर इतना गंदे टेस्ट वाला केमिकल बना लिया कि प्रीडेटर को वो खाने में मजा ही नहीं आएगा ना, मजा ही नहीं आएगा कि यार छोड़ इसको तो और कुछ खाएंगे, ठीक है। तो ये एनिमल डिफेंस के एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट डिफेंस के। गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करने वाले हम प्लांट्स के डिफेंस के बारे में। एनिमल्स का तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कैमोफ्लेज कलर चेंज कर लेंगे, डिस्टेस्टफुल हो जाएंगे, प्लांट क्या करेंगे, थॉर्न्स, ये सबसे बिल्कुल ही अपने को देखने को भी मिल जाएगा। मान लो किसी प्लांट को, किसी पौधे को एनिमल्स बार बार आके खा जाते हैं, बैंड बजा देते, तो उस प्लांट ने क्या किया, कांटे उगा लिए अपने ऊपर कि अब आओ और खा के दिखाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। जैसे अकेशिया कैक्टस है तो इनके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, कोई इनको खा ना पाए, ठीक है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। कैलोट्रोपिस है, आपने देखा भी होगा, कैलोट्रोपिस वैली से सबने देखा होगा ना, गूगल पे भर के देखना कैलोट्रोपिस क्या होता है, सबने देखा होगा। तो ये क्या है, इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये बेसिकली अपने अंदर जहर बना लेता है कि जो भी कैटल गोट इसको खाने आएगी कि मैंने जहर बनाया हुआ है, तुम्हारे में दम है तो खा के दिखाओ, तो ये इस तरीके से बच जाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे कि देखो प्लांट्स के अंदर वैसे निकोटीन कैफीन ह्यूमन अपने लिए यूज करते हैं, बट प्लांट्स ने ये चीजें अपने डिफेंस के लिए बनाई थी। जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, ओपियम है, ये सब चीजें प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाई थी, पर ह्यूमन थोड़े समझदार निकले, उन्होंने निकोटीन कैफीन को किसी और यूज में ही उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैरासिटिज्म के बारे में, है ना, पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक्टो पैरासाइट्स देखेंगे, एंडो पैरासाइट देखेंगे, एनसीईआरटी में इनके कौन से एग्जांपल दिए हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक्टो पैरासाइट नाम से ही कवर हो रहा है, एक्टो मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे, है ना, ऐसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे और वहां पे सर्वाइव करेंगे, जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग, मरीन फिश एंड एक्टो पैरासाइट कोपोर्ट्स, और क्या है, कैस्केटा ऑन अदर प्लांट। कैस्केटा क्या होती है, अपनी जो अमर बेल होती है, अमर बेल क्या है, दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगी, उनसे न्यूट्रिशन लेती रहेगी ना, उसके एक्सटर्नल बाहर वाली साइड रहेगी। तो ये एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल है, सिंपल है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, सबको पता ही होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंडोपैरासाइट्स के बारे में, कि जो अंदर वाली साइड रहेंगे, अंदर जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, इनमें है ना, दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, है ना, जैसे लीवर के अंदर है तो एंडो ही हो गया, सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, किडनी में है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, इस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ये सिंपल सी लॉजिक से ही समझ आ रहा है कि मान लो कोई पैरासाइट हमारे हाथ पे है या बालों में है, तो उसकी लाइफ साइकिल तो सिंपल ही होगी ना, बाहर ही पड़ा है, और यहां पे अंदर है तो उसको डिफरेंट चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना, जैसे वो कभी ब्लड से जा रहा है, जैसे हमने मलेरिया में पढ़ते हैं ना, मलेरिया में कभी ब्लड से जा रहा है, कभी लीवर में चला गया, कभी
वो मॉस्किटो के स्लाइवा में चल, तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइजेशन भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ब्रूड, ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। किसके बारे में? कोयल और कौवे के बीच में, कुकू एंड क्रो, कोयल और कौवे के बीच में होता क्या है बेसिकली, जो कोयल होती है उसके अंडे बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं किसके, कौवे के साथ, है ना। तो कोयल तो है समझदार, है ना, देखो बोलता मीठी है, ये कोयल क्या है अपनी मीठी मीठी बोलती है पर धोखेबाज होती है, और कौवा बोलता बेकार है पर ये अच्छा होता है। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, वो क्या देखती है कि भाई कौवे के अंडे भी मेरे जैसे हैं, तो वो अपने अंडे को उठा के कौवे के घोंसले में रख देती है। हाँ, देख लो कितनी कामचोर है, खुद पूरा दिन गाना गाती रहती है, गाना गाती रहती है, और ये कौवा क्या है उसके अंडों को बेचारा न्यूट्रिशन देता रहता है। तो एक तरीके की ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन के बारे में पहली बात तो यही है कि भाई दोनों स्पीशी का क्या होगा, नुकसान होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो मान लो यहां बीच में ये फूड पड़ा हुआ है, बीच में ये फूड पड़ा हुआ है, और ये एक एनिमल इधर से भाग के आ रहा है, और ये दूसरा एनिमल, एनिमल दोनों स्माइल कर रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है, ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है, तो यहां पे दोनों में क्या होगी, फाइट होगी, फाइट होगी, मैं खाऊंगा, इसको भी चोट लगेगी, इसको भी चोट लगेगी, दोनों क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, दोनों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी में कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में जो भी साइंटिफिकली लिखा हुआ है उसको मैं आपको इन्हीं की हेल्प से समझा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपटीशन की जो पहले डेफिनेशन मानी जाती थी वो क्या थी कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है ना, ये दोनों स्पीशी क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। देखो ये भी रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है। ठीक है, और इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है, लिमिटेड, लिमिटेड फूड पड़ा हुआ है। अब इस लिमिटेड फूड को पाने के लिए ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है आपस में फाइट करेंगी, इसी को हमने क्या बोला, कॉम्पिटिशन बोला। ठीक है, पर यहां पे आगे इसमें क्या है डेफिनेशन, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, इसमें क्या है थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती गई। क्या बोला गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फूड लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा, अनलिमिटेड फूड हो तब भी इनमें कंपटीशन हो सकता है। उसके क्या रीजन है, देखो फॉर एग्जांपल ये 11 बजे मान लो ये यहां पे है ना, ये 11 बजे खाना खाने आया, ये भी 11 बजे ही यहां पे पहुंच गया, इसने इसको देखा, एक दूसरे की नजर भिड़ी तो एक दूसरे में क्या हो गई, लड़ाई हो गई बिना बात पे, है ना, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले ली, है ना। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भाई खाना तो अनलिमिटेड है, तू भी खा ले मैं भी खा लू, नहीं, इन्होंने एक दूसरे को देखा और लड़ गई। अगर ये 11 बजे खाना खाने आए और चला जाए, ये शाम को 4 बजे आए चला जाए, तो कितनी अच्छी बात हो जाए, है ना, फूड तो बहुत सारा है, फूड तो बहुत सारा है, लिमिटेड होता तब तो बात समझ भी आती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें। और क्या चीजें बोली गई कि अगर स्पीशीज अनरिलेटेड भी हो, अगर स्पीशी अनरिलेटेड भी हो, ये रेड कलर की ये ब्लैक कलर की, तो भी इनमें क्या है सेम फूड के लिए फाइट कंपटीशन हो सकता है ना, इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है, तो ये क्या है इस पे यहां पे लड़ाई कर देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन की जो बेस्ट डेफिनेशन वो क्या समझ में आई, बेस्ट डेफिनेशन क्या समझ में आई कि एक स्पीशी की प्रेजेंट में, है ना, देखो मेरी बात सुनना, एक स्पीशी की प्रेजेंट में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसको हम कंपटीशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक स्पीशी की प्रेजेंस में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसी को हमने क्या बोल दिया, कंपटीशन। चाहे वो क्लोजली रिलेटेड है, चाहे फूड अनलिमिटेड है, चाहे लिमिटेड है, चाहे अनरिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल डेफिनेशन बना दी। ठीक है, अब कंपटीशन में आगे क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो अपने एग्जांपल दिए हुए वो ये दिए हुए, एबिंगडन टोर्टोइज क्या है एक्सटिंक्ट होते थे, क्यों, गोट की वजह से, क्योंकि टोर्टोइज जो खाना खाते थे वो सारा गोट ने खत्म कर दिया, तो टोर्टोइज को भी निपटना पड़ा। ठीक है, और क्या है, सुपीरियर बार्नेकल्स बैलेनस ने किसको एक्सक्लूड कर दिया, इनफीरियर बार्नेकल्स कैथेमेलस को, है ना, क्योंकि ये सुपीरियर है तो ये ज्यादा खाना खा गई, सारा खाना खा गई, इनको खाना ही नहीं मिला, तो ये बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या है, देखो कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर दिया, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मान लो ये दो हैं, ये दो एनिमल हैं, इनमें ये ज्यादा पावरफुल है तो ये सारा खाना खा जाएगा और इसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, बेसिकली यही बातें बोल रहे हैं।
ठीक है, यही बातें बोल रहे हैं। अब कंपटीशन में ही एक टॉपिक है रिसोर्स पार्टिशनिंग। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, है ना। इसमें क्या है, फाइव स्पीशीज ऑफ रेबलर्स का एग्जांपल दिया है। इसको सिंपल तरीके से फिर वही एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लो ये बहुत सारा फूड है ना, बहुत सारा फूड है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है, ठीक है। अब ये भी यहाँ 11 बजे आता है, ये भी 11 बजे आता है, फूड की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारा था, बट टाइमिंग इनकी गड़बड़ है, आपस में लड़के टपक गए, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, रिसोर्स पार्टिशनिंग में क्या है, टाइमिंग अलग अलग चूज कर लो कि ये भाई 11 बजे आके खा के चला जाएगा, ये फिर शाम को 4-5 बजे आएगा, फिर ये खा के चला जाएगा, फिर ये सुबह 11 बजे आएगा खा के चला जाएगा, ना। एक तरीके से इन्होंने मेंटेन कर लिया, है ना, दोनों स्पीशी क्या है, जिंदा भी रह जाएंगी और नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमेंसलिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखो सब में पहली चीज तो यही हमने कर भी लिया था कि यही याद रखनी है कि कमेंसलिज्म में जैसे कि एक का फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहली चीज तो यही सब में ही याद रखनी है, वो तो कॉमन सी चीज हो गई, ठीक है। और क्या है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, इनसे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं इसमें, है ना। ऑर्किड ऑन मैंगो, बारनेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट ऑन कैटल, सी एनिमोनी ऑन क्लाउनफिश। देखो जो मेन जो फंडा है ना, वो पैरासिटिज्म में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है, प्रीडेशन में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और क्या है कॉम्पिटिशन में भी हमने देखा थोड़ा डिटेल में किया, पर इनमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आप याद भी रख लो ना। जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इनमें इतना कुछ खास नहीं होता। जैसे म्यूचुअलिज्म में भी एक तो क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया, और क्या है म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हो जाएंगे, लाइकन हो गया, माइक्रो हो गया, प्लांट एंड एनिमल, फिग एंड वास्प। लाइकन क्या होता है सबको पता है, माइकोराइजा क्या होता है सबको पता है, फंजाई एंड एल्गी के बीच लाइकन, माइकोराइजा क्या है फंजाई एंड प्लांट के बीच, है ना, दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, फंजाई एल्गी का फायदा, एल्गी फंजाई का फायदा, फंजाई प्लांट का फायदा, प्लांट फंजाई का फायदा, कुछ इस तरीके से कि प्लांट एंड एनिमल की कुछ ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं कि प्लांट उस एनिमल का फायदा कर देगा, एनिमल उस प्लांट का फायदा कर देगा, है ना, इस तरीके से। फिग एंड वास्प में भी बेसिकली इनमें प्लांट और एनिमल में क्या पाया जाएगा अपना, वो पॉलिनेशन वाला पाया जाता है कि वो उसकी जो एनिमल है वो प्लांट की पोलिनेशन कर देगा, और प्लांट क्या है उसको खाने पीने के लिए दे देगा, या उसको अंडे रखने के लिए जगह दे देगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने बड़ी आसानी से खत्म कर लिया। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।